अल्लाह गाय मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोग के दिन ट्रेडिंग में अच्छे गुजरे होंगे तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा पी एस एक्स के लेक्चर्स की एक सीरीज चल रही है हमारा एक कोर्स चल रहा है जिसकी ट्वेंटी सेवन क्लासेज हो चुकी हैं और आज हमारी ट्वेंटी एट क्लास है और आज मैं आपको ये बताऊँगा कि पी एस एक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है कैसे इन्वेस्टमेंट की जाए और कब की जाए और किस शेयर के अंदर की जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर तो मैंने यहाँ पे एक शेयर खोल दिया है जी साजगार इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड अब मैं इसमें कुछ चीज़ें ड्रा करूंगा, कुछ चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे शेयर के अंदर एंट्री ली जाती है और किस वक्त ली जाती है इस चीज़ का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें ये नहीं पता होगा कि मैं कितने टाइम फ्रेम के लिए एंट्री ले रहा हूँ और कितनी इंट्री ले रहा हूँ कब तक इंट्री लूँगा और इससे मुझे प्रॉफिट कितना होगा तो मेरे ख्याल में हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए जब तक हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी तो तब हम एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं सपोज यहाँ पे एक लेवल बना था एक सपोर्ट बनी थी शेयर की ये वाली मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो ये हमारे पास एक सपोर्ट बनी थी और यहाँ पे लट सपोज काफी लोगों ने बाई किया और ये हमारे पास तकरीबन सितंबर का महीना चल रहा था 31 अगस्त कर ले 31 अगस्त चल रहा था और यहीं पे हमें न्यूज़ दे देखने को आ रही थी कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं ये सबसे बड़ी खबर थी ये हिस्ट्री की एक आलमोस्ट सबसे बड़ी खबर थी क्योंकि इलेक्शंस का वक्त करीब है तो मेरे ख्याल में जब भी इलेक्शंस का वक्त करीब हो और मुल्क में स्टेबिलिटी आ रही हो तो आपका शेयर ऊपर की तरफ जाएंगे अब देखें लोगों ने बाइंग यहाँ पे बनाई और लोगों को लगा कि नवाज शरीफ आ रहा है पाकिस्तान इलेक्शन होंगे और उसकी वजह से शेयर्स के फंडामेंटल्स तो अच्छे होने ही चाहिए शेयर के फंडामेंटल्स अच्छे थे शेयर की कितनी अर्निंग आ रही है ईयरली सोलह रुपए की अर्निंग आ रही है और यहाँ पे अर्निंग कितनी आई है दस रुपए की अर्निंग आई है शेयर की तो कंपनी की टोटल जो अर्निंग है वो सोलह रुपए की आई है और देन हमें एक मूव देखने को मिली मुकम्मल अप ट्रेंड मूव और ये शेयर कहाँ पे चला गया ये शेयर तकरीबन एक सौ इकसठ को टच कर चुका है लेकिन जो क्लोजिंग कैंडल है उसे देखेंगे वन फिफ्टी फाइव पे इसकी कैंडल जाके क्लोज हुई है तो अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कब की जाए जब एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो मैं पी आई लिख रहा हूँ इसे जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो मुल्क में नंबर वन तब इन्वेस्टमेंट की जाए और सेकंड जब इलेक्शन जो है वो करीब हो, जब भी इलेक्शन करीब होंगे आप चुप करके इन्वेस्ट कर देंगे और कंपनी की सिलेक्शन आपने अच्छे से करनी है इलेक्शन करीब होंगे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो मुल्क में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है और तीसरी चीज आप लोगों ने क्या देखनी है कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो कुछ ना कुछ बेहतर हो ऐसे ना हो कि कंपनी की ईपीएस नेगेटिव में हो आप उसे उठा लें तो उसे उठाने का कोई फायदा नहीं होगा कंपनी की आपने ईपीएस भी देखनी है फंडामेंटल्स भी देख ले हैं जो मैंने चीजें आपको बेसिकली बताई हैं ये चीजें आपने लाजमी जहन में रखनी है एक जो है मुल्क में पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो इलेक्शन करीब हों और देन कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हों आप यहीं पे बाइंग करेंगे और देन आप यहाँ पे जाके सेल करेंगे तो अच्छे भले शेयर जो होते हैं वो आपको 50-60 रुपए का देंगे एज अ इन्वेस्टर मैं एज अ इन्वेस्टर बात कर रहा हूँ मैं किसी को भी एज अ शार्ट टर्म और एज अ ट्रेडर नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे एंट्री ले ले वहां पे ले ले नहीं बिल्कुल भी नहीं मैं आज उनके लिए बात कर रहा हूँ जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ये तो सिर्फ साजगार की बात लेट सपोज कोई एक आध शेयर और ओपन कर लेते हैं अटक रिफाइनरी लिमिटेड को ही ओपन कर लेते हैं यहाँ पे मैंने अटक रिफाइनरी लिमिटेड ओपन कर ली है और इस शेयर की देखे लो देखे शेयर का कहाँ पे था अगस्त में देखे ना अगस्त में अगस्त में देखें, न, अगस्ट में। अगस्ट में देखें ये शेयर हमारे पास था तकरीबन दो पे और 203 के लेवल पे ही हमें न्यूज इसी अगस्त के अगस्त के एंड पे हमें न्यूज मिलना लग गई थी कि नवाज शरीफ साहब आएंगे उसके बाद हमें देखिए शेयर पे पीक कितनी देखने को मिली है शेयर कहाँ पे गया है दो सौ चौंसठ पे यहाँ पे इस लेवल पे ये जो हमारा लेवल है यहां पे मुकम्मल तौर और मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ पे दोबारा आने वाले हैं यहीं पे न्यूज सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गई थी तो देन क्या हुआ यहीं पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की लोग न्यूज के इंतजार में थे एक ऐसी बड़ी न्यूज हो और जो कि हमारे मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट हो और हमारी इकॉनमी के लिए इम्पोर्टेंट हो हर चीज के लिए इम्पोर्टेंट हो स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए तो यहाँ पे उन्होंने बाई किया यहाँ पे जाके सेल कर दिया दोबारा शेयर ने थोड़ी डिप डिप ली और डिप लेने के बाद दो सौ पंद्रह सोलह पे और दो सौ के बाद दोबारा मियाँ साहब की वापसी के थोड़े इम्कान थे वो ज्यादा हो गए हैं उनकी जो रिपोर्ट थी वो आने लग गई है उन्होंने त्यारा बुक करवा ली है और बस वो आज ही आ रहे हैं और जलसों की तैयारियां होने लग गई है दिन मजीद ये शेयर ऊपर चला गया और देन मजीद शेयर जाके रोका है कहीं दो सौ नब्बे बानवे पे तो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट आपको अगर सिंपल से तरीके पता है कि इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है और इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैंने आपको पहले तीन चीजें बताई हैं वो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमने बैठना कहाँ पे है आपको अगर ये समझ आ गई है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा कैसे उठाना है इलेक्शंस का फायदा कैसे उठाना है तो मेरे ख्याल में आप एक बड़े इन्वेस्टर बन सकते हैं आपको ट्रेडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और जो बड़े लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं उनके लिए ट्रेडिंग कुछ भी नहीं होती वो कहते हैं ट्रेडिंग बेकार है और इंसान का टाइम खराब करती है अब ये मैंने आपको एक और शेयर की एग्जाम्पल दे दिया टीफरी लिमिटेड की आप अगर चाहें तो ओ की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं लेट सपोज मैंने ओ को ओपन कर लिया है ओ को मैंने ओपन कर लिया है और ये था जी हमारा तकरीबन जून जुलाई का महीना था जून जुलाई में देखें जून जुलाई में ये शेयर कहाँ पे था मुल्क में इनस्टेबिलिटी थी और और यहाँ पे जब शेयर गया था ना जून में शेयर की लो कितने का था तिरहत्तर का तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल था उसके बाद यहां पे हमें आईएमएफ से लोन मिला और ये शेयर ओपन कहाँ पे हुआ तकरीबन ये शेयर ओपन हुआ जी हमारे पास पचासी पे देन हमें इतनी बड़ी पीक मिली अब हमें ये न्यूज मिली हुई थी ऑलरेडी कि हमें आई से लोन मिलने वाला है तो जो इनस्टेबिलिटी थी मुल्क में उसे अचानक एक न्यूज मिली और देन क्या हुआ हमारे जो शेर था वो पंप हो गया और शेर पंप होके कहाँ तक चला गया वो भी आप देख लें ये शेर चला कहाँ से था तकरीबन शेयर चला था तिरहत्तर से और चला गया एक दस पे और देन शेयर ने दोबारा डिप ली और शेयर ने जो हल्लो बनाया अपना मुझे याद है इस दिन जब ये सतासी पे आया था इस दिन इस शेयर ने सतासी को टच किया था इस दिन इस जगह पे 87 को शेयर ने टच किया था और इस दिन क्या हुआ था मार्केट ने 1800 पॉइंट लूज किए थे और बाद में मार्केट दोबारा दो तीन सौ पॉइंट मार्केट ने गेन कर लिए थे तो यहां से एक मार्केट ने दोबारा हमें एक गेन देखने को मिला और शेयर दोबारा ऊपर चला गया और शेयर चला गया एक सौ चार पे अब तो देखें यहीं पे मियाँ साहब के आने की खबर आई है यहाँ पे तो जब भी ऐसी खबर आती है तो हमारे जो शेयर्स होते हैं वो पंप कर जाते हैं और ये बेस्ट वे होता है इन्वेस्टमेंट करने का अगर आप एक बड़ा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो फैक्ट्स को आपने मानना है आपने कुछ चीजों को नोट करना होगा अगर ये ऐसी कंडीशन होगी तो ऐसा हो सकता है तो ये सिंपल से फैक्ट्स हैं मैंने आपको सिंपल सा फैक्ट बताया मुल्क में पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी तो शेयर नीचे जाते हैं लेकिन जब भी पॉजिटिव न्यूज आने लग जाएंगी कि जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं जल्दी जैसे अभी मियाँ नवाज शरीफ के बारे में खबर आई थी मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए अब लेट्स सपोज अगर न्यू गवर्नमेंट आती है फर्ज करें मियाँ नवाज शरीफ साहब की आती है तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत स्टॉक मार्केट में इंप्रूवमेंट आएगी देन फिर एक वक्त आएगा कि स्टॉक मार्केट थम जाएगी और थमने के बाद स्टॉक मार्केट दोबारा नीचे आएगी और जैसे ही स्टॉक मार्केट नीचे आएगी देन मे भी कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज लाई जाएगी कि आपको लगेगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश करने वाली है मार्केट थोड़ा नीचे जाएगी और आप लोग मार्केट से एग्जिट लेने की कोशिश करेंगे और बड़े लोग मार्केट में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे तो आज की हमारी ये क्लास थी इन्वेस्टमेंट के बारे में थी कि इन्वेस्टमेंट अपने कम करनी है पाकिस्तान में और कौन से शेयर में करनी है तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज